हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल बात की थी कि हम इंग्लिश की वोकैबुलरी 5 मीनिंग्स रोज आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट दीज मीनिंग। चलिए हम बात करते हैं उनकी बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए तो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला हमारा मीनिंग है पैंडरिंग। पहला मीनिंग हमारा क्या है? पैंडरिंग। PANDERING, पैंडरिंग। पैंडरिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, या हम क्या कह सकते हैं, उकसाना किसी को, किसी चीज के लिए बढ़ावा देना, उकसाना। जैसे कि हमारा चैनल आपको बढ़ावा दे रहा है कि आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। अगर हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स होंगे प्रोक्यूरिंग, सॉलिशिएशन, इनकरेज, मतलब किसी को बढ़ावा देना, किसी चीज के लिए इनकरेज करना। अगर हम बात करते हैं इसके एंटोनियम्स की, तो इसका एंटोनियम्स होगा पैसिफिक। अगर हम एंटो की बात करते हैं तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? पैसिफिक। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की पहले वर्ड की, जो हमारा वर्ड क्या है, पैंडरिंग। पैंडरिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना, उकसाना। हमने उसके सिनोनियम्स देखे, उसके एंटोनियम्स देखे। अब चलिए हम बात करते हैं एक और नेक्स्ट वर्ड की, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैप्रोचमेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैप्रोचमेंट। फ्रेंड्स, रैप्रोचमेंट का मतलब होता है सहमति बनाना, मतलब किसी के साथ दोबारा से दोस्ती कर लेना, सहमति बनाना। अगर हम इसके सिनोनियम्स की बात करें तो इसके सिनोनियम्स क्या होंगे? दोस्ती करना, दोबारा से दोस्ती करना, तो इसका सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। एक इसका सिनोनियम्स क्या हो सकता है? इसका सिनोनियम्स फ्रेंडली हो सकता है, या करेक्ट सिनोनियम्स इसका क्या होगा? सेटलमेंट करना। सेटलमेंट इसका मतलब क्या था? हमने क्या देखा था? रैप्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। तो सिनोनियम्स क्या हो जाएगा इसका? सेटलमेंट करना। किन्हीं, आपने देखा होगा, अगर किन्हीं दो गुटों के बीच में या कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम उनके बीच में क्या करवा देते हैं? सेटलमेंट करवा देते हैं। अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो इसके एंटोनियम्स क्या होगा? ब्रेकअप, मतलब तोड़ देना, दोस्ती तोड़ देना, मतलब किसी भी चीज पे सहमति नहीं होना। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इडियम्स भी लाए हैं। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट इडियम्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, हमारा पहला इडियम, मतलब हमारा थर्ड वर्ड है कटिंग कॉर्नर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कटिंग कॉर्नर का मतलब होता होगा कोने काटना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कटिंग कॉर्नर का मतलब अलग होता है, जिसको हम देखेंगे। एग्जाम्स में ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं तो हम फंस जाते हैं। तो चलिए, आज हम बात करते हैं, देखते हैं आगे कि हमें इसके सिनोनियम्स क्या हैं और इसके एंटोनियम्स क्या हैं। फ्रेंड्स, कटिंग कॉर्नर का मतलब होता है कंजूस। एक होता है कंजूस और एक होता है मक्खी चूस।
तो कटिंग कॉर्नर का मतलब आप एक बार को कह सकते हैं मक्खी चूस, जो बहुत ही ज्यादा कंजूस हो, बहुत ही ज्यादा पैसे बचाने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कॉर्नर। अगर हम इसके सिनोनियम्स की बात करें तो इसके सिनोनियम्स में क्या आ जाएगा, सेविंग, क्या हो जाएगा, ये इसका एक सिनोनियम्स हो जाएगा। इसका एक और हो सकता है एक्सट्रीम मिजरी, एक्सट्रीम माइजर। एक्सट्रीम माइजर का मतलब भी क्या होता है, माइजर मतलब होता है कंजूस, एक्सट्रीम लगा है तो मतलब बहुत ज्यादा कंजूस। इसका एंटोनियम्स की अगर हम बात करें, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका एंटो होगा एक्स्ट्रा वेगेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा खर्चीला, बहुत ही ज्यादा खर्चा करने वाला। कंजूस, कंजूस का अपोजिट क्या होता है, अगर हम हिंदी में ही बात करें तो कंजूस का अपोजिट क्या होता है, कंजूस का अपोजिट होता है बहुत खर्चीला, बहुत खर्चा करने वाला। तो आज से अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कलीग्स, कोई भी किसी के बारे में भी अगर आपको बात करनी है कि वो बहुत ज्यादा कंजूस है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, कटिंग कॉर्नर। ही इज अ कटिंग कॉर्नर। बैरी एरी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कटिंग कॉर्नर का मीन्स ही होता है एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही ज्यादा मक्खी चूस वाला इंसान। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको चीजें याद हो जाएंगी जब आप अपने आस पास की चीजों को रिलेट करना सीख जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कॉलिंग नेम्स। आप सोच रहे होंगे कॉलिंग नेम्स का मतलब होता है किसी का नाम बुलाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम देखेंगे कॉलिंग नेम्स के मतलब क्या होते हैं। फ्रेंड्स कॉलिंग नेम मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, मतलब बेइज्जती करना, अपमानित करना किसी को, अपमानित करना, किसी की बेइज्जती करना। तो ये सब क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे किसमें, कॉलिंग नेम में। अब अगर आपसे कोई बात करे और अगर वो अपने बात के वर्ड्स के बीच में कहीं कॉलिंग नेम यूज करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के नाम को बुला रहा है या आपको बुला रहा है। यहाँ पे उसका मतलब है कि किसी को अपमानित किया जा रहा है, किसी की इंसल्ट की जा रही है। तो कॉलिंग नेम के अगर हम सिनोनियम्स की बात करें, तो इसके सिनोनियम्स क्या होंगे, अब्यूज, इंसल्ट, किसी को गाली देना, किसी की बेइज्जती करना। और अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें, तो इसके एंटोनियम्स क्या होगा, प्रेज, फ्रेंडली भी हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चार वर्ड्स हम देख चुके हैं, अब बारी है हमारे आज के आखिरी वर्ड की। हमारा आखिरी वर्ड क्या होगा, तो फ्रेंड आज से सबसे पहली बात, अगर आपको किसी को कंजूस बोलना है, तो आप कंजूस की जगह क्या यूज करेंगे, कटिंग कॉर्नर। अगर आप देख रहे हैं किसी की बेइज्जती हो रही है या कोई अपने वर्ड में कॉलिंग नेम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो किसी को बुला रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी को अब्यूज करने की बात कर रहा है या किसी की इंसल्ट करने की बात कर रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं हमारा आज का लास्ट वर्ड क्या है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है जेरिंग, JERRING, जेरिंग। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसके सिनोनियम्स क्या होंगे और इसके एंटोनियम्स क्या होंगे। फ्रेंड्स
जेरिंग का मतलब होता है, अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो जेरिंग का मतलब होता है टकराव। टकराव आप सबने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया। तो जब आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी तो उसमें एक बीच में गेम होता है, मुझे कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, शायद स्पेन या पता नहीं किससे। तो उसमें आपने देखा होगा लड़कियां जो जो इंडियन टीम होती है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाती हैं। तो वो वहां पे क्या हो रहा है, गेम में टकराव हो रहा है। तो ऐसी जगह में हम क्या यूज़ करेंगे, जेरिंग। चलिए इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं। इसका सिनोनियम्स हो जाएगा हैरेस, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, या हम कह सकते हैं कोलिजन। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे क्या, हैरेस और कोलिजन। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, इसके एंटोनियम्स में वही आ जाएगा कि फ्रेंडली, मतलब किसी को चोट चोट ना पहुंचाई जाए। तो फ्रेंड्स आज भी हमने बात की 5 मीनिंग्स की, इसी तरीके से डेली हम 5 मीनिंग्स याद करेंगे। आई होप आप, मैंने जिस तरीके से कल आपको मीनिंग याद करने का एक प्रोसीजर बताया होगा आप उसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली कल आपने फॉलो किया भी होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लेटेस्ट एग्जाम न्यूज़ के लिए प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हाँ अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जब आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें तो आपके फ्रेंड्स भी समझ सकें कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।